तो हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज को जो वीडियो है, आज की वीडियो में इस टैंक को सेटअप करेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो प्लीज ये वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और इसका सेटअप के लिए मेरे पास काफ़ी सारा सामान पहले से ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ऐसा तीन टाइप का स्टोन्स हैं। इसमें से पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा जो है वो ये है। और पहला जो स्टोन है वो कि ये मुझे एकदम भी पसंद नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलरफुल है। और इस टाइप का स्टोन्स जो होता है वो बाउल्स के लिए सही है, लेकिन एक्वेरियम के लिए मुझे सही नहीं लगता। और दूसरा टाइप का जो स्टोन है जो कि है ये, और इसका जो पेबल्स है वो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और थर्ड वाला जो स्टोन है जो कि है ये, मुझे लगता है यही जो स्टोन है थोड़ा सही लगेगा 1.5 फीट के टैंक के लिए। और उसके साथ ही साथ आप जैसे देख सकते हैं, मेरे पास इतना सारा प्लास्टिक का प्लांट्स वगैरह भी है। और दो ये बड़ा पत्थर वगैरह है। इसके साथ ही साथ मेरे पास एक बैकग्राउंड है जिसको मैं इस एक्वेरियम के पीछे लगाने का सोचा हूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी आइटम है मेरे पास इस एक्वेरियम को डेकोरेट करने के लिए। और उसके साथ ही साथ मेरे पास कुछ फिशेस भी हैं जिसको मैं इस टैंक में डालने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलिए अब टैंक का सेटअप को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हैं कि मेरा सेटअप का जो काम है वो अब कंप्लीट हो गया है। और अब मैं इसमें कुछ फिशेस ऐड करूँगा। बट यहाँ पर आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि तुरंत एक्वेरियम सेट करने के बाद अब उसमें डायरेक्टली फिशेस को नहीं डाल सकते। और अगर आपके पास पहले से ही कोई एक्वेरियम है, उसका जो पानी है, उस एक्वेरियम का डायरेक्ट पानी इस एक्वेरियम में डालिए, और उसके बाद 1 वीक तक पंप चला के उसको छोड़ दीजिए। ऐसा करने का मेरा मकसद बस यही था कि जहाँ पर भी हम लोग न्यू फिशेस ऐड करेंगे वहाँ पर पहले से ही गुड बैक्टीरिया हो। और ऐसा करने से आपकी फिशेस जो है वो हेल्दी रहेगी, और आपके फिशेस को कोई डिजीज़ भी नहीं होगा जब आप उसको डालेंगे। वाइट स्पॉट एक डिजीज़ होता है, बहुत ही कॉमन होता है फिश में, और ये मैक्सिमम तभी होता है जब अपने आप एक न्यू एक्वेरियम में एक फ़िश को डालते हो। और अगर आपके पास पहले से ही कोई टैंक वगैरह नहीं है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल वाटर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप जो भी पानी यूज़ करेंगे उसमें एंटी क्लोरीन मिलाना एकदम भी मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, मेरा भी जो टैंक है वो रेडी हो गया है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि फ्यूचर में भी आप लोग मेरा और भी अमेजिंग वीडियोज़ देख पाएँ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।